गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारी क्लास है ये है क्लास फिफ्थ के लिए और आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कल हमने जो है हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तक पढ़ा था, सो आज अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं देखिए, इसको मैं आपको एक क्वेश्चन से बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास पहला एक क्वेश्चन है 1/2, ये एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है 1/2, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना। इक्विवेलेंट मतलब ये होता है कि हम इसमें कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे एक बड़ा नंबर आएगा, लेकिन उस नंबर की वैल्यू जो होगी वो इतनी ही होगी, मतलब कि जब हम उसको वापस डिवाइड करेंगे तो वो इतना ही आ जाएगा, तो उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम इसके जैसे कि अगर हमको बोला है कि 1/2 के हमको चार इक्विवेलेंट क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा कि आपको चार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं किसी भी नंबर के, क्वेश्चन में आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि 1/2 के हमको फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कोई भी एक नंबर ले, छोटा सा नंबर, जैसे हमने लिया 2, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 सा हो जाएगा आपका 4 और 2 1 2, सो पहला जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 2/4। अब देखिए अगर हम इसको वापस से डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 एंड 2 2 4, तो देखिए वापस 1/2 जो है वो अपने वापस 1/2 के बराबर ही आ गया, सो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जो सबसे पहला हमारा नंबर आया वो आया 2/4। अब हमको दूसरा नंबर निकालना है, तो जो सेकंड हो जाएगा 1/2 इंटू, हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 3। याद रहे हमेशा कि हम जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 2 हो जाएगा हमारा 6 और 3 1 3, तो ये हो जाएगा 3/6। तीसरा नंबर हम निकालेंगे, सो ये हो जाएगा 4 2 8/4 1 4, सो ये हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर। चौथा नंबर हम निकालेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 5/5, सो ये हो जाएगा आपका 5 2 10/5, सो ये हो जाएंगे हमारे चार नंबर, 1 2 3 और 4 नंबर। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया, उसका सॉल्यूशन इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो था वो हमने आपको कल बताया था, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो इसका एक मिक्स टाइप है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन आप देखिए कि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे करते हैं देखिए, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो इम्प्रॉपर में करने के लिए हमारे पास जो आगे जो नंबर लगा है ये है पूरा एक इंटीजर, इसको हम कहते हैं एक इंटीजर, तो ये जो 3 है ये फ्रैक्शन में नहीं है, सिर्फ 1/5 इतना नंबर इंटीजर में है। सो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए इस 5 को इस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 5 + 1, मतलब सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा प्रोडक्ट उसको हम इससे न्यूमरेटर से प्लस करते हैं, सो 3 × 5 विल बी 15 + 1, सो इसका आंसर हो जाएगा 16। सो 16 जो हो गया ये हमारा आंसर नहीं है, इसको तो हमने अभी तक से सॉल्व किया है, तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा 16/, वापस हम ये डिनोमिनेटर को लिख देंगे, सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो 16/5 जो बना ये बना आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन से। अब जो ये जो नंबर बना है इसको हम कहेंगे हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें आप देखिए कि जो 16 है वो बड़ा है और जो 5 है वो छोटा है, तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, हमने आपको कल भी बताया था, तो वो होता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ये क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट है हमारा 5 2 by 3। अब 5 2 by 3 भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें एक इंटीजर भी है और एक फ्रैक्शन भी है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फिर से इम्प्रॉपर में। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 3 into 5 + 2, यानी कि 3 into 5 + 2। याद रखिए कि हमको हमेशा पहले मल्टीप्लाई वाला पार्ट करना है, हमको इसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम प्लस करेंगे। सो 3 into 5 विल बी 15 + 2, सो ये हो जाएगा आपका 17। अब 17 जो है ये आया है न्यूमरेटर, तो जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17/3। सो 17/3 जो हो जाएगा ये बनेगा आपका इम्प्रॉपर फ्रॉम 5 2 by 3। सो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमने क्या करा, 7 into 4 + 4, 7 4 = 28 + 4, 28 + 4 will be 32, 32/7। सो यही एक तरीका है जिससे हम इम्प्रॉपर को, एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोएस्ट फॉर्म। अब लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, हमको एक नंबर होगा, एक रैशनल नंबर दिया होगा, हमको उसको डिवाइड करके छोटा नंबर बनाना है। देखिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 12/20। अब इसको हमको छोटा बनाने के लिए, हमको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन से टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, जैसे कि 12 और 20। आपको पता है कि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 12 और 2 10 20। सो हम इसको हम 2 से भी कर सकते हैं, या हम इसको और छोटा करेंगे। सो हम देखेंगे हमको 3 से, कि 3 4 12 हम इसको 4 से कर सकते हैं, 4 3 12 and 4 5 20। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, सो 12/20/4 और 4। सो इसका आंसर आ जाएगा, तो जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा ये है 15/60। अब हमको पता है कि 15 की ही टेबल में 60 आता है, तो हमने 15 को ही डिवाइड, 15 से ही हमने इस नंबर को डिवाइड कर दिया, तो दोनों जगह हमने 15 लगाया है, तो 15 1 15 and 15 4 60। तो आंसर हमारा आया है 1/4। अब देखिए जो लोएस्ट फॉर्म है उसका मतलब ये है कि हम इससे ज़्यादा इसको छोटा नहीं कर सकते, तो 3/5 इससे हम इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, 1/4 को भी हम इससे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और इनका सॉल्यूशन, तो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 30/60। 30/60 को भी हम सिमिलरली उसी तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमको पता है कि दोनों 10 की टेबल में आते हैं, 10 3 30 and 10 6 60। सो हमने डिवाइड कर दिया, सो आंसर आ गया हमारा 3/6। सो इसी तरीके से हमको इसके दूसरे क्वेश्चंस भी हमको इसी तरीके से करने हैं। सो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमको मिक्स इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना हमने सीखा,
और हमने कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम फाइंड करते हैं, और हमने जो है लोएस्ट टर्म्स को बनाना भी सीखा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।